जैसे ही आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो हीट कैसे करेंगे, जब आप उस पर उसको टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड हीट अप होगा एंड वो एक्सपेंड हो जाता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। तो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, डैट इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ नोन एज मेल्टिंग एंड द पॉइंट और टेम्परेचर इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग टेम्परेचर। मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अब इसमें कोई भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम। तो वो टाइटली और क्लोजली पैक्ड हैं और जिसकी वजह से वो जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर मेन पोजिशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के केस में अगर आप देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो टाइटली और स्ट्रांगली पैक्ड होती हैं, उनकी फिक्स्ड पोजिशन होती है और ये जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर मेन पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी बेस्ड अपॉन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसमें सॉलिड्स में के केस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होगी और जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, क्लोजली पैक्ड होंगे, उसमें कोई भी स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, मिनिमम डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, डैट्स वाई दे डू नॉट पोजेस ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, वो जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, देयरफॉर दे हैव ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। Types of solid, there are two types of solids that are amorphous and crystalline solids as I have already discussed it. Amorphous solids क्या होते हैं कि जिसकी definite geometrical shape नहीं होती because atoms जो है उनकी regular arrangement नहीं होती, जब उनकी atoms when atoms are not regularly arranged then the solids don't have the definite shape. They are known as amorphous solids just like glass, rubber, dust, etc. Crystalline solids are those in which the atoms are orderly arranged, जिनकी regular or three-dimensional geometrical shape होती है, they are known as crystalline solids. अगर आप crystalline solids का देखते हैं तो उसके melting and boiling points भी high होंगे, क्योंकि atoms की proper arrangement होगी और force of attraction बहुत ज़्यादा strong होगी और उसको break करने के लिए large amount of energy require होगी, that's why melting and boiling points high होंगे। अगर आप amorphous solids की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो atoms regularly arranged नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मेटेलिक ग्लासेस आर न्यू अमोर्फस मटेरियल्स कंपोज्ड ऑफ मेटेलिक अलॉयज एटॉमिक विद डिसऑर्डर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपने कर लेना है। वो इसमें एग्जांपल जो है वो आप वही कर सकती हैं जैसे आपने जब आप छोटे होते थे तो मीन्स के आपने वो एक स्टोरी पढ़ी हुई थी इत्तफाक में बरकत है वाली, किसान वाली, लकड़हारे वो जो किसान था जिसके तीन बेटे थे, अगर वो आपस में जो लड़ते झगड़ते रहते थे, जब अगर वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, प्रॉपर फॉर्म में नहीं होते, आपस में उनकी बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो किसी भी वो वुड के पीस को नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है, मीन्स के वो ज़रा सी बहुत ज़्यादा भी वो हर एक इंडिविजुअली तौर पे भी देख लें तो वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो जैसे ही वो आपस में कंबाइंड हो गए, तो जैसे ही वो आपस में मिल गए, उनमें इत्तफाक आ गया, यूनिटी आ गई, तो वो एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड हो गए, उनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, तो जैसे ही बॉन्डिंग उनमें स्ट्रांग हो गई तो उन्होंने ईजिली उसको ब्रेक कर दिया। तो यही बात इन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स की है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता, डैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन स्टेट में अगर आप देखें तो क्रिस्टल्स पोजेस डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, क्यूबिक इन नेचर है, मीन्स के इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक होगा। अगर आप अमोर्फस स्टेट में देखें तो उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती जस्ट लाइक ग्लास। अगर आप उसमें देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो उसमें रेगुलरिटी आ जाती है जिसमें एटम्स आइंस मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, लेकिन अमोर्फस के केस में आइंस एटम्स मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमोर्फस सॉलिड्स। ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्रिस्टलाइन के क्यों हाई होते हैं, एंड दे आर ग्रेजुअली सॉफ्टन ऑन हीटिंग, दे मे बी कॉल्ड एज सुपर कूल लिक्विड जस्ट लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक फेरस सल्फेट, हेप्टा,
हाइड्रेट, हेप्टा कहते हैं सेवन को, सेवन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हेप्टा हाइड्रेट, हाइड्रेट कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, वाइल अमोर्फस सब्सटेंसेस में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते।